राजस्थान में करीब एक महीने बाद शुरू हुआ नया अध्याय। राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार ने साबित किया बहुमत। 21 अगस्त तक सदन स्थगित। 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों में किया बदलाव। सुशांत की खुदकुशी में अब बॉलीवुड सितारों ने सीबीआई जांच की मांग की। राबिया खान पर नीति चोपड़ा समेत कई एक्टरों ने की मांग। राजस्थान में पिछले करीबन एक महीने से ज्यादा से चले आ रहे सियासी संकट पर अब विराम लग गई है। सचिन पायलट की कांग्रेस से अब सुलह हो गई है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत सरकार पर जो संकट मंडरा रहा था वो अब छट चुका है। इसी के बाद अशोक गहलोत सरकार ने आज विश्वास मत भी साबित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले एक महीने से सियासी घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस से सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने के बाद राज्य में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। हालांकि अब सचिन पायलट के साथ कांग्रेस की सुलह हो चुकी है और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। विधानसभा में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों में खुशी की लहर है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। मेरी ओर से पूरे प्रदेश के आदिवासियों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। सरकार पूरी तरह आदिवासियों के कल्याण के लिए योजना बनाती जा रही है। आगे भी योजनाबद्ध तरीके से विकास हो आदिवासी क्षेत्र का भी, आदिवासियों का भी, हमारा संकल्प है। इसीलिए हमने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा करी है। दूसरा, जो आप देख रहे हो कि जो अब बीजेपी के विधायक बाड़े बंदे में जा रहे हैं, तो इनकी पोल खुल गई है। आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने, आप देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। पर बीजेपी के विधायकों किस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके, उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। वहीं अब राजस्थान में 21 अगस्त तक सदन को स्थगित किया गया है। सदन से बाहर आकर सचिन ने कहा, कांग्रेस मिलकर काम करेगी। आने वाले वक्त में जो भी चुनौती हो, वो चाहे कोरोना हो, आर्थिक मुद्दों की या फिर किसानों की, सबके लिए कांग्रेस मिलकर काम करेगी। आज सदन के अंदर जो प्रदेश की सरकार विश्वास मत लाई थी, उसको बहुत अच्छे बहुमत के साथ सदन ने आज पारित किया है और जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उसको आज विराम मिला है। मैंने सदन के पदन में भी बहुत संक्षिप्त में इस बात को कहा कि जो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चा थी या कोई विषय उठे होंगे, उस सब पर संतोषजनक संवाद करने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रास्ता बना चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से उस सभी रोड मैप का खुलासा होगा और हम सबके जो कंसर्न थे उसको संतोषजनक तरीके से उसको डील किया जाएगा। जहां तक सदन के अंदर की बात थी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो विधायक हैं उन सब ने एकजुटता का आज परिचय दिया और विपक्ष ने तमाम कोशिशें करी, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रचंड बहुमत के साथ सरकार के पक्ष में जो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था वो पारित हुआ है। इस बात की मुझे खुशी है। अब आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, चाहे कोरोना की हो, चाहे आर्थिक मुद्दों की हो, चाहे किसानों की हो, नौजवानों की हो, उन सब चुनौतियों के लिए पूरा प्रदेश मिलकर काम करेगा। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गैलरी में लगी कुर्सी पर बिठाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जानबूझकर सचिन पायलट खेमे को अलग थलग किया गया। इस पर सचिन ने कहा, पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज सरकार का पार्ट नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट स्पीकर और पार्टी तय करती। 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में सुरक्षा चाक चौबंद है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। आती जाती हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई मार्गों में बदलाव भी किए हैं और कई रूट डाइवर्जन्स भी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली NCR में सुरक्षा चाक चौबंद है। आपको ये भी बता दें, IB ने 15 अगस्त को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कई इंतजाम है, खासतौर पर लाल किले के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली UP बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हर वाहन की जांच हो रही है। आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है।
जिसमें 15 अगस्त के दिन सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक आम लोगों के वाहनों की आवाजाही इन इलाकों में प्रतिबंधित रहेगी। ये रूट्स हैं नेताजी सुभाष मार्ग से दिल्ली गेट, छाता रे, लोटिया रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, यमुना बाजार, चांदनी चौक से लाल किला, निषाद राज मार्ग से रिंग रोड, राजघाट और कश्मीरी गेट ISBT। ये वो रूट्स हैं जहां आप 15 अगस्त के दिन 10 बजे से पहले जाने से बचें। इसके अलावा कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग के अलावा निजामुद्दीन ब्रिज के आसपास के रूट्स पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक बाधित रहेगा। स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन और ट्रैफिक अरेंजमेंट जो किया उसके बारे में ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, नेताजी सुभाष मार्ग है दिल्ली गेट टू छत्ता रे, लोथियन रोड है GPO दिल्ली टू छत्ता रे, सरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग है फ्रॉम HC सेंट मार्ग टू यमुना बाजार चौक, चांदनी चौक रोड फ्रॉम फाउंटेन चौक टू रेडफोर्ट, निषाद राज मार्ग है फ्रॉम रिंग रोड टू नेताजी सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड है लिंक रोड से जो नेताजी सुभाष मार्ग से कनेक्ट होता है, और रिंग रोड फ्रॉम राजघाट टू ISBT, आउटर रिंग रोड फ्रॉम ISBT टू IP फ्लाईओवर वाया सलीमगढ़ बाईपास। बेसिकली इन एरियाज में कोई भी गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ जिनके पास पार्किंग लेबल है, इन्वाइटीज हैं और जिनके पास एक्सेस लेबल पार्किंग इशू किया गया, सिर्फ वही ये गाड़ियाँ इस समय के दौरान। सुशांत सिंह राजपूत मामले को करीबन 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी को देखते हुए सोशल मीडिया में CBI जांच तेज करने को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। तो इसी कड़ी में अब जिया खान की मां राबिया खान, परिणीति चोपड़ा, वरुण धवन समेत बॉलीवुड के कई एक्टर्स अब सोशल मीडिया पर डिमांड कर रहे हैं कि CBI जांच को तेज किया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI जांच की मांग तेज हो रही है। सुशांत के परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि आम लोगों से लेकर नामी लोग भी एक्टर की मौत की जांच सिर्फ CBI से कराने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान ने भी सुशांत केस में CBI जांच की मांग कर दी है। राबिया खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिया खान और सुशांत की मौत में समानता होने का इशारा किया। उनका कहना है कि जिया की तरह ही सुशांत को मारा गया। वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI जांच की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, और अब इस अभियान में वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा जैसे कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हो गए हैं। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा #CBI4SSR। उन्होंने इसके साथ हाथ जोड़ने वाले एक इमोजी को भी साझा किया। इसी के साथ परिणीति लिखती है, जरूरत बस सच की है, #JusticeForSSR। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी भी इस अभियान में शामिल हुए, उन्हीं के साथ मौनी राय भी इस अभियान में शामिल हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। वहीं अब 2 महीने बाद बॉलीवुड एक्टरों ने CBI जांच के लिए मांग की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर संगीन आरोप, बलात्कार जैसे संगीन आरोप के खिलाफ BJP का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज दिल्ली में RK पुरम में मनीष सिसोदिया जब एक स्कूल में पहुंचे तो BJP कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के पुतले भी फूके। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में BJP आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। एक बार फिर BJP ने आम आदमी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुकेश टोकस के खिलाफ बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा है। पुलिस ने बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुकेश टोकस को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बाद BJP को आग के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिल गया। दरअसल शुक्रवार को RK पुरम इलाके में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम था। यहां BJP कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया को काले झंडे दिखाए और केजरीवाल का पुतला फूका। बड़ा सीधा कारण है जी, बड़े दुख की बात है, मुकेश टोकस व्यक्ति जो केजरीवाल पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता है, आम पार्टी का, आम व्यक्ति नहीं है वो, प्रमुख कार्यकर्ता है, जिसके होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब देख सकते हैं, वो संगठन मंत्री का उसके बाद दायित्व था। उसने एक बहन के साथ गलत व्यवहार किया, 2 साल तक उसको बेवकूफ़ बना के रखा, और 2 साल के बाद जब उसने कहा कि उसकी शादी की बात आई,
तो उसको सच्चाई पता चली कि चीज़ शादीशुदा है और मुझे कहता रहा कि मैं तेरे शादी करूँगा शादी करूँगा। उसने उसकी कंप्लेंट करी है, उसको कंप्लेंट के बाद उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और हम इस बात को आज डिमांड कर रहे थे, यहाँ पर डिप्टी सीएम आए हुए थे, आपने देखा हमें पुलिस ने रोक लिया और उनकी गाड़ियाँ अलग से दूसरे रास्ते से गई। हमने उनको काले झंडे दिखाए हैं आपके सामने, यहाँ पर हमने उनसे मांग करी है कि मनीष सिसोदिया जी, प्रमिला ठोकर जी को सस्पेंड किया जाए और साथ साथ अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब आप मिले हुए हैं, तो मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे। आम आदमी पार्टी के चरित्र का ये हिस्सा है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक राशन कार्ड बनवाने के नाम पे एक महिला के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था। तो ये आम आदमी पार्टी के चरित्र का एक हिस्सा है। और दुख इस बात का है कि एक ऐसे सीनियर नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, अपने एक पार्टी के पदाधिकारी को पहचानने से इनकार कर दें। आप आर के परम में आए हो तो आपने जगह जगह होर्डिंग लगे देखे होंगे, होर्डिंग पे विधायक के साथ उस कार्यकर्ता की फोटो लगी हुई है जिसमें पद भी मेंशन किया हुआ है कि वो आर के परम विधानसभा का संगठन मंत्री है। कार्यक्रम में हर जगह कौन सा आम आदमी पार्टी का ऐसा नेता है जिसके साथ उसकी तस्वीर नहीं लगी हुई। और वास्तविकता ये है कि जब वो निर्भया कांड हुआ था तो यही लोग दिल्ली में क्या कर रहे थे उस समय सड़कों पे, आज ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। इसमें तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की भी बात नहीं है, ये तो आपके पार्टी के चरित्र का हिस्सा है। आप अगर अपना घर नहीं दुरुस्त कर सकते, आप अपनी पार्टी नहीं दुरुस्त कर सकते, तो आपसे जनता क्या उम्मीद कर सकती। बीजेपी जहां सड़कों पर उतरकर आरोपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोपी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अच्छा, उसमें क्या कोई एक्शन आप लोग लेंगे? जिस तरीके से किस पद पे है जो संगठन मंत्री थे, वो संगठन जो उनके पोस्टर थे मनीष। बहरहाल बीजेपी ने इस मामले में तेज कार्रवाई की मांग की है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 15 दिनों से ज्यादा से 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पर राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं अब देश में इस वायरस से संक्रमित की संख्या 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 64,553 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 24,61,190 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,007 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है। वहीं देश 17,51,555 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में इजाफे से देश में स्वस्थ होने की दर 71.17% हो गई है। साथ ही देश में संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.95% हो गई है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित की संख्या में सबसे ऊपर है। यहाँ गुरुवार को भी कोरोना वायरस संक्रमण के 11,813 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,60,126 हो गई है। साथ ही 413 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,063 हो गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,90,958 है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो पहले के मुकाबले हालातों में काफी सुधार नजर आ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 956 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हुई है। वहीं अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,49,460 हो गए हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 4,167 पर पहुंच गया है। बहरहाल रिकवरी रेट में तेजी से सुधार नजर आ रहा है, जो कि लोगों के लिए अच्छे संकेत है। सुदीक्षा भाटी को न्याय दिलाने के लिए अब हर कोई सामने आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के इस्कंदर गांव में सुदीक्षा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और न्याय की अपील कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के डेरी स्कनर गांव की रहने वाली सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में हुई मौत से परिजनों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है और सुदीक्षा की मौत को लेकर परिवार के लोगों ने अपने गांव में कैंडल मार्च निकाला, जहां पर सुदीक्षा को सभी ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और सुदीक्षा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने के लिए संकल्प लिया। इस दौरान सुदीक्षा के पिता ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। ये स्पॉट है, वहाँ बिल्कुल जंगल है, वहाँ कहाँ का कैमरा लग रहा, आगे लग रहा, पीछे लग रहा, कहाँ की फुटेज दे रहे हैं,
ये हम कैसे हम ही भर देंगे कि ये फुटेज यहाँ की, जब तक हम स्पोर्ट पर देख ना लेंगे ये फुटेज कहाँ की है, हम किसी के लिए हम ही नहीं भर सकते ऐसे। ये तो पुलिस निकाल लेगी टाइम के हिसाब से, इस टाइम पे ये हुआ है, इस टाइम पे ये नंबर इतने दूरी पे चल रहा है नहीं चल रहा है। उनके पास अब तो मोबाइल तो सबके पास ही है, जब हमारे भाई के लोकेशन निकाल सकते हैं तो उनकी भी तो लोकेशन निकाल सकते हैं। इस टाइम पे ये मोबाइल नंबर यहाँ इतनी दूरी से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इनके आगे पीछे चल रहा है या नहीं चल रहा है, वही तो सबूत होगा, वो निकाल लो। दरअसल यूएस की स्कॉलर छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में 3 दिन पहले मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि वह स्कूटी से अपने चाचा के साथ अपने मामा से मिलने जा रही थी। सुदीक्षा के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने छेड़खानी की थी, इसके कारण हुए हादसे में उसकी मौत हो गई थी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।